बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आपको एक वीडियो क्लिप दिखाना चाहता हूँ मैं। यहाँ पर मैंने खुद से ये वीडियो क्लिप देखा है, जब वो काफ़ी हैरत हुई है मुझे। हालांकि आप यकीन करें, मैंने जब सऊदीया में बेशुमार शादियाँ अटेंड की हैं, यानी कि किसी ने बुलाया नहीं है, खुद से पहुँच गए हैं जी। कैसे पहुँच गए हैं आपको ये एक बात बता दूँ, आपको इससे भी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। मैं मुहाइल में था, खमीस के नीचे जो शहर है, तो मैं मुहाइल में था और जहाँ पर हमारी रहाइश थी और साथ में शादी हाल था। शादी हाल में जो लड़का मसूल था वो यमनी सऊदी था और वो उसी के रहाइश में हम रहते थे और उससे गपशप हो गई। और जो मुहाइल वाला इलाका, आपको पता है जो भाई जा चुके हैं, ये हबस इस टाइप की होती है, जिस टाइप की इस वक्त मेरे पसीने के हिसाब से आप अंदाज़ा कर, इस टाइप की हबस होती है वहाँ पर। गर्मी में सब्ज़ा होता है काफ़ी, पाकिस्तान जैसा जैसा मौसम फील होता है, बारिशें बहुत खूब होती हैं। बहरहाल वहाँ पर वो बोलता था, जिस दिन भी बरात लगती थी मुझे बोलता था आ जाओ, सिर्फ खाने के लिए और क्या। तो बहरहाल खाने पीने को आम था और जो डांस के मतलब पार्टीज वगैरह होती थी वहाँ पर बैठकर मैं लाइव देखता था। ये उस समय की बात है जब मेरे पास C20 या C1 नोकिया का ऐसा कुछ मोबाइल था जो एक साइड को ऐसे फोल्ड होता था और डॉलरों के ऊपर हम डॉलर करवाते होते थे 30 रुपए के। आपको याद होगा ये पाकिस्तान में बात करते होते थे, वो पता नहीं कितने मिनट मिलते, 180 मिनट के अरे 300 मिनट ऐसे को मिनट मिलते, डॉलर वाला कार्ड भी मिलता होता था। तो बहरहाल ये उस वक्त की बात है। उसके बाद फिर जो भी, बहरहाल मैंने बहुत सी शादियाँ वगैरह अटेंड की और वहाँ पर मैंने फिर तकरीबन एक से दो माह, तकरीबन हफ्ता में 2-3 बार शादी हाल में भाई खाना खाता था। तो बात सिर्फ ये क्यों कर रहा था, एक तरफ ये वीडियो जब बनाई गई है, यहाँ पर आपको क्लिप मैं पहले सुना दूँ, देख दिखा दूँ, फिर बात कर लेते हैं। देख लिया जी आपने, एक तरफ ये बंदा जिसने ये वीडियो क्लिप बनाई है मक्का क्लॉक दिखा रहा है, यानी कि मक्का के अंदर ये प्रोग्राम हो रहा है और हज का सीजन चल रहा है, आपको पता है जी, यानी कि अभी 2-3 दिन बाद हज शुरू होने वाला है, अल्हम्दुलिल्लाह अकबरी हज है, जुम्मे वाले दिन पढ़ा जाएगा। तो दूसरी तरफ ये उस तरफ अपना कैमरा घुमा रहा है जहाँ पर ये इंतज़ाम किए गए और वहाँ पर बाकायदा ये सऊदी कुछ हल्ला गुल्ला भी कर रहे हैं और साथ में कुछ गा भी रहे हैं। मैं इस चीज़ के ऊपर ये बोलूँगा कि भाई अगर आप कोई बंदा खुद से गा रखा है, यानी कि म्यूज़िक नहीं चल रहा है, कुछ भी गा रखा है और साथ में कुछ सऊदी डांस कर रहे हैं और ये करते भी ऐसे हैं, तो फिर अगर किसी की शादी ब्याह होगी तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। ये मक्का टावर क्लॉक से यानी कि काफ़ी फासले के ऊपर है। हाँ, अगर कुछ म्यूज़िक वगैरह चल रहा है और वो भी धड़ाधड़ और ऊँची आवाज़ में, तो फिर ये बिल्कुल गलत बात है। आपकी इसके मतलब क्या राय है मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा।